हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिविजन तो टूडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट इज कॉल्ड एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ लिया है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एग्रीमेंट क्या होता है सारी चीजें हमने एक एक करके कवर कर ली है अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो वो वीडियो को ध्यान से देखे बिकॉज वो वीडियो इस वीडियो का एक बेस है 1872, तो आपको ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है तो आई होप कि आपने इसके पहले के दो लेक्चर्स देखे होंगे आज हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल्स क्या क्या है क्या क्या चीजें जरूरी है देखो हमने सेक्शन टू तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सेक्शन टू एच सेक्शन टू सेक्शन एच जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है कैसे डिफाइन करता है मैंने आपको बताया था एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन सबसे सिंपल है सेक्शन टू सेक्शन एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट फिर हमने उसमें वॉइड एग्रीमेंट जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड थे वो सारी चीज़ें पड़ी थी तो एक सेंटेंस मैंने आपको बताया था जो आपको ध्यान रखना है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं बिकॉज एग्रीमेंट के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है बट सारे के सारे एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए थ्री इंपॉर्टेंट वाइटल एलिमेंट्स थे विच वी हैव डिस्कस नंबर वन इज एग्रीमेंट नंबर सेकेंड है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लीगेशन एंड नंबर थर्ड इज एनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए लॉ के बेसिस तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें जरूरी है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चलो पह, सबसे पहला पॉइंट है एग्रीमेंट देखो एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है एग्रीमेंट में दो चीजें इन्वॉल्व होती है जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है नंबर वन इज प्रपोजल एंड नंबर सेकेंड इज एक्सेप्टेंस सो एग्रीमेंट में दो चीजें आपकी होनी चाहिए तभी उसे हम वैलिड एग्रीमेंट मानेंगे और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शली इन्वॉल्व टू और मोर पार्टीज दो या दो से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होंगे बिकॉज एक ही पर्सन खुद के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जो आपको समझने के लिए काफी ईजी इज, जाएगा देखो राज नाम का पर्सन है वो प्रपोज करता है प्रपोजल देता है किस चीज के लिए वो प्रपोजल दे रहा है उसकी बाइक बेचनी है उसको एक समीर नाम का उसका फ्रेंड है तो राज ने क्या किया प्रपोजल भेजा या yes, प्रपोजल दिया टू सेल इज बाइक टू मिस्टर समीर और प्राइस डिसाइड हुई ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की अगर समीर ने वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो उसे हम वैलिड एग्रीमेंट बोलेंगे बिटवीन द टू अब राज उसकी बाइक बेचना चाहता है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज में बट समीर ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज समीर सोचता है कि ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की बाइक जो है वो ज्यादा प्राइस बोल रहा है बाइक का प्राइस ट्वेंटी थाउजेंड होना चाहिए ऐसे केस में वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा तो वैलिड एग्रीमेंट कब होता है जब दोनों पार्टीज एग्री होंगे जो प्रपोजल एक ने दिया दूसरे ने वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया सो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला पॉइंट होगा एग्रीमेंट और एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है सेकेंड पॉइंट में जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज अकॉर्डिंग टू सेक्शन इलेवन ऑफ द एक्ट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ हर एक पर्सन कॉम्पिटेंट होगा अगर वो मेजोरिटी के बेसिस पे उसका एज अचीव हुआ है मतलब माइनर के नॉट एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है वो मेजर पर्सन होना चाहिए वो साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तब वो मेंटली साउंड होना चाहिए उसने अगर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली और वो ड्रिंक करने के बाद उसने अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा या फिर कोई अगर पागल पर्सन है पागल के साथ हमने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया मतलब जिसको हम अनसाउंड माइंड का पर्सन बोलेंगे तो उसे उसके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा सो so, सबसे इंपॉर्टेंट है मेजोरिटी सबसे सेकेंड पॉइंट हमारा जो है दैट इज साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए और लॉ के बेसिस पे भी वो पर्सन को ऑथोरिटी है होनी चाहिए कि वो किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है मतलब इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्कालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ लॉ ने भी उसे परमिशन दी है कि ये पर्सन ये बंदा किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो दैट इज द पॉइंट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज कोई भी माइनर पर्सन किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा तो एसेंशियल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट इज एग्रीमेंट सेकेंड इज कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज थर्ड पॉइंट में जाते हैं थर्ड पॉइंट है फ्री कंसेंट देखो मैंने आपको पहले भी ये बातें बताई थी कि जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो फ्री कंसेंट होना चाहिए किसी से भी अगर हमने जबरदस्ती का कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया तो दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक पॉइंट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा मतलब द थर्ड एलिमेंट जो यहाँ पे बोला है द थर्ड एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट देर मस्ट बी अ फ्री एंड जेन्युन कंसेंट ऑफ द पार्टीज मतलब हमने सामने वाले से जब प्रपोजल हमने दिया तो सामने वाले ने वो प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और जब उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया वो साउंड माइंड में था उसको जबरदस्ती का हमने डरा धमका के एक्सेप्ट करने को नहीं बोला जिसको लॉ के लैंग्वेज में कोयर्शन बोला जाता है कोयर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक या फ्रॉड ऐसी चीज़ों से अगर हम किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा तो थर्ड इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट इज प्री कंसेंट सामने वाला जो पर्सन है उसे हमने प्रपोजल दिया वो सामने वाले पर्सन को हमारा प्रपोजल अच्छा लगा उसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसका फ्री कंसेंट था ज़बरदस्ती नहीं कि हमने उसे लगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट सही है ये कॉन्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं तो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा तो सेक्शन थर्टीन जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू का दैट एक्सप्लेन्स द फ्री कंसेंट सेक्शन फोर्टीन जो है दैट डील्स विद द कोयरशन कोयर्शन मतलब अगर हमने किसी को डरा धमका के अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोला है दैट इज कोर्शन अंडू इन्फ्लुएंस किसी को फंसा के हमने अगर कॉन्ट्रैक्ट मेंटर किया है किसी के साथ हमने फ्रॉड किया है मिसरिप्रजेंटेशन है मिस्टेक है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट को लॉ के बेसिस पे परमिशन नहीं है दैट विल नॉट बी कंसिडर बाय लॉ और सच कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्म कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है फ्री कंसेंट पॉइंट नंबर फोर लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन काफी इंपॉर्टेंट है मतलब हम किसी के साथ भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके बदले में कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अनदर एसेंशियल फीचर कंसिडरेशन मतलब जो हम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले उसके बदले में जो पैसे मिलेंगे दैट इज अ कंसिडरेशन फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन डिज नॉट नेसेसरली बी इन टर्म्स ऑफ अ प्राइस कभी कभी प्राइस के बेसिस पर भी कंसिडरेशन नहीं होता फिर भी उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है जैसे मैंने आपके साथ लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली किसी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया फिर भी उसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा एज पर द लॉ तो वो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दिस इज द पॉइंट द कंसिडरेशन कैन इवन बी इन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बट द कंसिडरेशन नीड्स टू बी रियल कंसिडरेशन रियल होना चाहिए कंसिडरेशन इनलीगल नहीं होना चाहिए मतलब अगर डिफरेंट पार्ट में बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो लीगल होना चाहिए ऑब्जेक्ट इनलीगल होगा इमोरल होगा या फिर अगर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सिबिलिटी लॉ के तरफ से नहीं मिलेगी और उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा तो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए मतलब जो भी पर्सन प्रॉमिस करने वाला है जो भी पर्सन ने प्रपोजल दिया उसका एम परफेक्ट होना चाहिए उन उसका एम क्लियर होना चाहिए वो सामने वाले पर्सन को अगर चीट करने वाला रहेगा तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट uh, को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे पॉइंट नंबर फिफ्थ एग्रीमेंट्स विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड तो एग्रीमेंट्स जो है जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वॉइड माने जाएंगे तो जैसे कि अगर मैंने आपको अभी बताया कि हमने आ, हमने अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जिसका एज आ, 15 इयर्स है जिसका एज 12 इयर्स है मतलब माइनर है तो माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू सेज दैट माइनर के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वर्ल्ड अभिनिशू बोला जाएगा वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा वो एनफोर्सिबिलिटी उसके लिए नहीं बनेगी या कोर्शन का यूज़ किया है किसी को डरा धमका के हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है या फिर किसी के साथ हमने चीट किया है फ्रॉड किया है ज़बरदस्ती उसको बोला किए एक्सेप्ट करिए उसको फंसा दिया और फंसा के उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा तो आपको ध्यान रखना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्रीमेंट्स विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर वर्ल्ड अगले पॉइंट में जाते हैं राइटिंग एंड रजिस्ट्रिंग एग्रीमेंट्स सो राइटिंग एंड रजिस्टरिंग एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट में भी बाई वर्ड और माउथ और इन राइटिंग देखो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं कि राइटिंग में ही होता है अगर मैं आपको प्रॉमिस करूं मैंने आपको मैंने राइटिंग में कुछ नहीं किया लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको मेरी बाइक बेचूंगा और आप उसके बदले में मुझे पैसे देंगे तो ये दोनों के बेसिस पे एग्रीमेंट हुआ दोनों के मैंने आपको प्रपोजल दिया आपने वो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन हमने रिटर्न में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया उसके बाद जब मैंने आपको बाइक बेच दी तो आपने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया और बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा आप बोलेंगे कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा या लीगल कॉन्ट्रैक्ट है ये बेसिकली इसमें हम केस फाइल कर सकते हैं देखो कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं कि कभी कभी आ, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइटिंग में होंगे लेकिन जितना हो सके राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दैट विल बी बेनिफिशियल बिकॉज वो हम एज अ प्रूफ कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर पाएंगे तो एज पर लॉ देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड बट इट इज हवेवर द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग तो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होगा तो दैट इज बेटर मतलब हमारे पास प्रूफ रहेगा तो so, ये भी एक पॉइंट है राइटिंग एंड रजिस्टरिंग एग्रीमेंट्स और हमारा जो लास्ट पॉइंट है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जो कैपेबल हो परफॉर्म करने के लिए मतलब मैं अगर आपको कुछ भी प्रॉमिस करू मैं अगर आपको प्रॉमिस करूं कि डेड बॉडी है डेड बॉडी को मैं एक इंजेक्शन लगाऊंगा तो डेड बॉडी जो है वो जिंदा हो जाएगा पर्सन या फिर मैं मैजिक करूंगा और मैजिक से कुछ भी आ, मैं आपको प्रॉमिस करूंगा और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में हम अगर एंटर होते हैं तो उसे वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जो परफॉर्म हो सके कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रीजनेबल एंड प्रैक्टिकल टू बी परफॉर्म इट मस्ट नॉट प्रॉमिस इम्पॉसिबल एक्ट्स तो इम्पॉसिबल एक्ट्स वेग इम्प्रैक्टिकल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो नहीं सकते और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर मैं मैजिक करूंगा मैं कह, मैं कहता हूँ कि मैं आपको मैजिक uh, करके कोई दूसरा रूप दे दूंगा तो बेसिकली ऐसा तो हो नहीं सकता आप खुद जानते हैं तो बेसिकली ऐसे पॉइंट्स जो परफॉर्म नहीं हो सकते ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो उसे वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है तो दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज जहां पे कॉन्ट्रैक्ट आएगा वहां पे उसके एसेंशियल्स आएंगे सो वी हैव द डिफरेंट डिफरेंट एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि क्या क्या पॉइंट होंगे सबसे पहला हमारा पॉइंट था एग्रीमेंट सेकेंड पॉइंट था कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज थर्ड पॉइंट था फ्री कंसेंट होना चाहिए सारे पार्टीज का फिर हमारा फोर्थ पॉइंट था हमारा लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए या लीगल ऑब्जेक्ट हमारा कन्फर्म होना चाहिए फिर जो एग्रीमेंट्स थे बेसिकली जो डिक्लेयर्ड वर्ल्ड एग्रीमेंट्स होते हैं फिर राइटिंग एंड रजिस्टरिंग एग्रीमेंट्स के पॉइंट हमने पढ़े और कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखने आपको यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ी है तो आपको ध्यान रखना है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो आपके पेपर से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन फॉर टुडे, वी हैव लर्न द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सारे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ के रखें बिकॉज ये क्वेश्चन पेपर में पूछने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो इसको ध्यान से पढ़े आप अपने बेसिस पे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर क्लियर होगा डेट सेट अगली बार मिलेंगे कुछ नए पॉइंट्स के साथ अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज इस चैनल पे आपको अकाउंटेंसी टैक्सेशन थियोराटिकल लॉ नेट सेट कैटेगरीज सारे के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे एम सीरीज़ भी मिलती रहेगी सब्सक्राइब तो कर लेना अगर, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करना Thank you very much from this session till then as always work harder be smarter